आज से पहले देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ था कि महंगाई के फायदे गिनाए गए थे? ऐसा हुआ था क्या? जब रुपए ऐतिहासिक तौर पर डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर चला गया है, तो एक बिका हुआ पत्रकार टीवी पे आकर के कह रहा था कि देखिए रुपया कमजोर हो गया है, इसका क्या क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि भारत के बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो डॉलर में पैसा कमाते हैं, तो वो वहां अगर एक डॉलर कमाएंगे तो उनको 100 रुपया हो गए। हम बोले प्रचंड मूर्ख है कि भारत से बाहर भारत के कितने लोग रहते हैं, भारत के भीतर भारत के लोग ज्यादा रहते हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर रुपए की कीमत कम होगी तो हम जो बाहर से सामान मंगाते हैं वो सामान महंगा हो जाएगा, और सामान जब महंगा होगा तो महंगाई से लोगों की जान निकल जाएगी। और महंगाई का हालत ये है, महंगाई है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को महंगाई दिख रही है, महंगाई सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल पंप पे अगर आप भाजपा का बिल्ला लगा करके जाइएगा तो पेट्रोल आपको 50 रुपये लीटर मिलेगा, ऐसा है क्या? हिंदू को भी 100 रुपया, मुसलमान को भी, दलित को भी, ब्राह्मण को भी, महिला पुरुष सबको, कोई छूट नहीं। तो जब महंगाई हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहा है तो प्रभु आप लोग का है हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं? देश जब महंगाई से मर रही है, तबाह हो रही है, तब आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? देश जब बेकारी से जूझ रही है, देश में सबसे ज्यादा बेकारी है, तब आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? इस बात को समझिए कि ये अंग्रेजों के पक्के सिद्ध हैं। जैसे होता है ना गुरु जी का पक्का चेला, कि अंग्रेज से ये एकदम पक्का नुस्खा सीखे हैं, एकदम हकीम साहब का पुड़िया नहीं होता है चूरन, वो एकदम चूरन खाए हैं बराबर। कि अंग्रेज जैसे देश को डिवाइड एंड रूल करते थे, हिंदू मुसलमान बोल करके लड़ाते थे, और हम 35 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज करते थे, कपास हमारा यहां से ले जाते थे, वहां कपड़ा बनाते थे, वापस ला करके हम ही को बेचते थे, और जो मुनाफा होता था उससे कोठियां बना करके यहां रहते थे और हमारे ऊपर कोड़े बरसाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? यही अब हो रहा है हमारे साथ। BSNL याद है? धीरे धीरे इतिहास होने वाला है। BSNL को क्या कहा जाता था? भाई साहब नहीं लगेगा। जियो धन धना करके मजा आ रहा है ना। पहला बार जब जियो आया तो फ्री था, तो लोग ही प्रचार कर रहे थे, पूछते थे कि कौन सा सिम यूज करते हो, तो कह दिए एयरटेल या BSNL। कहता था भारी बेवकूफ आदमी हो, जियो क्यों नहीं ले लेते हो, फ्री में मिल रहा है। हम कहते थे रे भाई, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि फ्री का सामान बहुत खतरनाक होता है, फ्री में जियो मिल रहा है क्या सिपाही जी? फ्री में जियो मिल रहा है अब? पहले मिला था ना, क्यों मिला था? इसीलिए मिला था कि जब BSNL नहीं रहेगा ना, तो अभी 700 रुपया दे रहे हैं, कल को 7000 रुपया भी अगर मांगेगा ना अंबानी तो आपको देना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। सरकारी संस्थान इसलिए होते हैं कि निजी संस्थान उसके मुकाबले बेतहाशा मूल्य वृद्धि ना कर सकें। सरकारी संस्थान इसलिए होते हैं कि जो निजी संस्थान से खरीद सकता है वो निजी संस्थान में खरीदेगा, और जो इस देश का आम गरीब लोग है वो सरकारी संस्थान में अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। याद रखिएगा, जिस दिन रेलवे बिक गई ना, जैसे कोरोना के लॉकडाउन के दौरान लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल करके घर पहुंचे थे, वैसे ही ये आदमी, ये झूठा आदमी जो बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में पहुंचाएंगे, असल बात यह है कि हवाई जहाज में चलने वाले को भी ये हवाई चप्पल में ला करके छोड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। ये इस देश के संपत्ति को अपने दोस्तों के ऊपर लुटा करके छोड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। आज BSNL नहीं है, BSNL जो सबको लाइसेंस देता था आज उसी के पास लाइसेंस नहीं है। सरकारी संस्थानों को तबाह इसलिए किया गया है ताकि उसकी संपत्ति, सरकार की संपत्ति
अपने दोस्तों के ऊपर लुटाई जा सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये लड़ाई दल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचार की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं कि सरकारी संपत्तियों की लूट और सरकारी दोस्तों को छूट मिल रही है, और एक तरफ हम लोग हैं, वो हैं जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। यह देश हमारा है, इस देश को हमको बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। अग्निवीर का जब आंदोलन बिहार में हो रहा था, मैं बिहार गया तो मैं नौजवानों से पूछ रहा था, क्या दोस्त क्या हालचाल? बोला भैया गलती हो गया। क्या गलती हो गया? बोला आपको हम जब कहते थे ना तो हमको बुरा लगता था। बोले क्या बुरा लगता था? हमको लगता था कि आप देश को बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ करके। लेकिन आप जो सवाल पूछते थे ना, वो सब सवाल सही था। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? फिर मैंने उन नौजवानों को पूछा कि तुमको अब क्या लगता है? बोला ठग लिया, ये तो भारी ठग लिया भैया। हम लोग दिन भर व्हाट्सएप पे इसका प्रचार करते थे, फोटो लगाते थे, जो जो किया कहा सो सो किए, थाली बजाए ताली बजाए सब कुछ किए इस आदमी को। लेकिन आज ये आदमी हमारे पेट पे लात मार दिया है। हम बोले पेट पे लात कैसे मार दिया है? बोला बताइए भैया, ये कोई बात होती है कि प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और हमको नौकरी मिलेगी 4 साल के लिए? हम बोले समझ में आ रहा है सिपाही जी, देख लीजिए आपकी भी बारी आएगी, आप भी 4 साल के लिए नौकरी लीजिएगा। नौजवान सब जब रोड पर निकलता है ना अपने रोजगार मांगने के लिए, अपने महंगाई के खिलाफ, देश में हक और अधिकार के लिए, तो उसको डंडा मत मारिए। क्योंकि उसको डंडा मारिएगा ना, अगर वो लड़ने का हिम्मत छोड़ देगा ना, तो आपका पेंशन कल को बंद हो जाएगा, तो आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। और ये किसी को नहीं छोड़ने वाला है। जैसे अग्निपथ स्कीम फौज में लाई गई है, वैसे ही अब बैंक में लाया जा रहा है। क्या बैंक की नौकरी नहीं होगी परमानेंट, 4 साल की नौकरी होगी, 4 साल का मास्टर बनेगा, 4 साल का सिपाही बनेगा, 4 साल का सेना में नौकरी होगा। ये बेईमानी को समझिए, ये इस देश को सेल पे लगा दिए हैं। इसीलिए आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। एक तरफ हमको अपनी जिंदगी की जो रोज की जद्दोजहद है उससे भी जूझना है। विद्यार्थी को पढ़ना है, किसान को खेती करनी है, मजदूर को मजदूरी करनी है, पत्रकार को पत्रकारिता करना है, बिजनेस करने वाले लोगों को दुकान चलाना है, महिलाओं को घर भी संभालना है, नौकरी भी करनी है। एक तरफ हमारी जिंदगी की अपनी जद्दोजहद है, दूसरी तरफ हमारा देश है, और उस देश की जो हालत है उस हालत से भी हमको देश को निकालना है। इस दोहरी लड़ाई को, इस दोहरी चुनौती को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और यह दोहरी चुनौती हम इसलिए स्वीकार करें कि हमारे लिए कोई लड़ा था। अरे भगत सिंह बहुत स्मार्ट आदमी थे, भगत सिंह बहुत स्मार्ट आदमी थे, कॉलेज के टॉपर थे, उनको भी बहुत लड़की पसंद करती होगी, बढ़िया अंग्रेजी बोल करके बढ़िया नौकरी लेते, बढ़िया शादी करके जो है लंदन में सेटल हो सकते थे। लेकिन वो फांसी के फंदे को चूम लिए, देश की आजादी के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। इस बात को याद रखिएगा कि आजाद देश में हम आजाद तरीके से सांस इसलिए ले पा रहे हैं कि किसी ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान की है। हमारी अपनी जिंदगी की जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद के साथ साथ इस देश को बेहतर बनाने का, इस देश को बचाने का, इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए हमको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से कि बाप दादा आम का पेड़ लगाए तो उसका फल हम खाए, हम अगर पेड़ को नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को आम नसीब होगा? आम नसीब नहीं होगा। मैंने अपनी माँ को फोन किया और माँ को कहा कि मम्मी सेब का सब्जी कैसे बनाया जाता है, तो माँ बोली कि पगला गए हो क्या, सेब का सब्जी कैसे बनेगा? हम बोले अब सेब का ही सब्जी बनेगा ना, सेब 90 रुपए किलो है और गोभी 200 रुपए किलो बिक रहा है।
यह हकीकत है। यह जो हमारी जिंदगी की जद्दोजहद है, इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में हम सबको एक दूसरे का कंधा थामना पड़ेगा। और सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल सत्य का है। सत्य के लिए हमको खड़ा होने पड़ेगा। जो लोग अपनी जान की कुर्बानी दिए हैं, बढ़िया पायलट थे राजीव साहब, विदेश में तो उनकी शादी भी हो गई थी, बढ़िया वहां नौकरी करते, बढ़िया लंदन में घूमते, आराम से अपनी जिंदगी जीते, क्या जरूरी है अपनी जान को गवा दिए। अगर किसी ने हमारे लिए अपनी जान गवाई है, अगर हम इंसान हैं, हमारे आंख में पानी है, इंसानियत है, तो उस बलिदान को सम्मान करते हमको इस देश की रक्षा करनी पड़ेगी। यह संकल्प लीजिए कि यह देश हमारा है, इस देश को हम बचाएंगे, और बेचने वाले और बचाने वालों के इस लड़ाई में हम बचाने वालों के साथ खड़े होंगे। अगर हम ईमानदारी से लड़ेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि इस देश ने बार बार इस बात को साबित किया है कि दुश्मन शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर तैमूर लंग के सामने बलकरण नाम का एक छोटा बच्चा सब्जी काटने वाला चाकू लेकर के खड़ा हो सकता है, तो हम तो फिर भी 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम एकजुट होकर के खड़ा हो गए तो पूंजीपतियों के इन दलालों को हम जरूर हराएंगे, और हम दो हमारी दो की सरकार को परास्त करके 130 करोड़ लोगों की जो भावना और आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करेंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के देश को और हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगी। जो देश को आजादी दिलाई है वही पार्टी देश की आजादी को बचाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।